तो गाइस फाइनली अब हम किधरकंटा बेस कैंप से निकल रहे हैं बाहर, और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सब चीज़ पैक्ड अप हो चुका है। किचन वगैरह सारी चीज़ पैक कर रहे हैं। अभी हमारा प्लान है कि हम सीधा जाएंगे सांकरी। इससे पहले जो प्रीवियस प्लान था वो था कि हम जो ये जो लेक था, लेक का नाम क्या था, जुड़ा का ताल, हाँ जुड़ा का ताल में वहाँ पर रुकेंगे आज, फिर कल जाएंगे सांकरी। बट हमारा प्लान है कि ज़्यादा दूर नहीं है, तो सोचा है कि सीधा निकलेंगे और गायब हो जाएंगे। और इसी तरह हमारी सफ़र शुरू होते हुए चल रहे हैं हम घर की तरफ को, अब ऑल सेट, और सीधा हम मिलेंगे अब सांकरी में। इन केस अगर कोई नहीं नहीं कुछ में ब्लॉक कर रहा था, गाइस विदाउट एनी स्टॉपेज हम सीधा किधरकंटा बेस कैंप से अभी जुड़ा के तालाब में आ गए। जो मेरे पीछे आप तालाब दिख रहे हैं, ये जुड़ा का तालाब है और ये पूरा कैंपिंग एरिया यहाँ से। बट इसके नीचे हमारा कैंप था, और हमारे कैंप से नीचे थोड़ा नीचे एक ढाबे वाला था, तो हमने प्लान करा कि वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर अपना ब्रेक लेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे। चलो फिलहाल तो अभी चलते हैं। और ये प्लेस वो है जहाँ पर हमने फर्स्ट नाइट अपना जुड़ा के ताल का जो हमारा कैंप था वो ये था, और ये जगह पर हम पहली रात को यहाँ पर रुके थे। बाकी अभी भी बिल्कुल ऐसा लग रहा अबैंडन हो रखा है ये पूरा प्लेस। चलिए तो हो गया, दोनों दोस्त मेरे आगे निकल गए, मैं आराम आराम चल रहा हूँ, तो अब मिलते हैं सीधा नीचे। तो दोस्तों एट प्रेजेंट हम उस लोकेशन में, हमने अपना पहला मेजर ब्रेक लिया, सीधा जो बेस कैंप था उसके बाद डायरेक्ट हम पहुँचे यहाँ पर। जो जुड़ा का ताल था उससे भी हम नीचे आए, और ये प्लेस वो है जो आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, जिसमें एक शॉपकीपर जो थे जो वहाँ पर सामान बेचते हैं वो बहुत ही प्यारा फ्लूट बजा रहे थे, और मैंने आपको उनको वो भी दिखाया था कि ये इंस्टाग्राम और शायद यूट्यूब वगैरह में भी थे, है ना। तो ये प्लेस वही है, और यहाँ से हमने अपने स्नैक्स वगैरह भी लिए थे। बाकी एक थोड़ा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और वापस सीधा हम सांकरी के लिए निकलेंगे। तो गाइस आफ्टर फाइनली लॉन्ग जर्नी, इतना भी लॉन्ग नहीं था, मतलब ठीक ठाक था, हमने बस एक मेजर ब्रेक लिया था, और दोस्त लोग तो बहुत आगे निकल गए थे, तो मैं आराम आराम से आया। बाकी मैं जस्ट अपने कैंप के जस्ट ऊपर ही हूँ, थोड़ी दूर से मुझे नीचे आना पड़ेगा। बट ये आप चेक करें, ये है सांकरी, सांकरी गाँव, वो शायद मेन गाँव है सांकरी का, आई एम नॉट श्योर, बट वो बहुत सुंदर सा लग रहा है। बाकी जो ये गाड़ी खड़ी रखी है आगे टेम्पो ट्रेवलर, तो वहीं से बस नीचे की तरफ स्टेयर्स है, और हाँ इट वॉज टायरिंग बिकॉज कल से ऑलमोस्ट मैक्सिमम 1 आवर सोया था मैं, एंड फिर उसके बाद 2 बजे उठना था, तैयार तैयार हुए, पैक करा, ब्रेकफास्ट करा, और 3:30 बजे के आसपास इन द मॉर्निंग
है ना, हमने अपना जर्नी शुरू कर लिया था, टॉप में गए, बैटरी बुटरी सब चीज़ ख़त्म हो गया था, तो जहाँ जहाँ पर टाइम मिला थोड़ा फ़ोन से वीडियो वगैरह बनाया। बाकी ये था कि बहुत ही मज़ा आया बट थकावट भी बहुत ज़्यादा आया, बट कोई नहीं, अभी बस पहुँच गए तो अभी फ्रेश होऊंगा, नहाऊंगा धोऊंगा और आराम करूंगा। चलो इस ब्लॉग के लिए ही इतना ही, हाँ बाकी कल वापस हम देहरादून की तरफ जाएंगे तो वो दूसरे ब्लॉग में रहेगा। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, बहुत सारा थक रखा हूँ मैं, मिलते बाद में, सी यू, बाय, टेक केयर।